in Meghalaya, the thing that happens is that almost all the hotels and your shops, all those were being run by women. नहीं पता था कि ये 4 दिन की छुट्टी जो है वो मिलने वाली है, तो डेट इज द रीजन व्हाई वी डिडंट प्लान एनीथिंग। और अब क्या कर रहे हैं, 2 दिन से तो अपन सो ही रहे, मस्त सो रहे हैं, लेकिन आज ना हो पाएगा, आज ही ना सो पाएंगे। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट आई एम प्लानिंग इज दैट, क्योंकि देखो भाई तो है ही नहीं, दूसरा जो भाई है अपना बॉब वो तो है ही नहीं, वो तो निकल पड़ा कहीं चला गया। मैंने बोला कि नहीं बाबा अपन तो सोएंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि सो भी नहीं सकते इतना ज्यादा। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी आर प्लानिंग, वी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं तो हूं ही, मेरे साथ तो आप भी हो, तो दैट इज द रीजन व्हाई यू एंड मी वी बोथ विल बी गोइंग टू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन आउट हियर। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, यही कोई 3 घंटे के आसपास लगेगा। थोड़ा सा जाएंगे, फटाफट जाएंगे, बाइक चला के आएंगे, राइड भी हो जाएगा, रिफ्रेश भी हो जाएगी, और ऐसा नहीं लगेगा कि जो पूरा का पूरा 4 दिन था वो हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। तो चलिए सीधा आपको बाइक पे लेते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, दिस इज योर ब्रो इंद्रजीत, और आज जो है आपका भाई स्पीति के जो एक्सपीरियंसेस थे, स्पीति का जो एक्सपीरियंसेस था अपना, उसी को वापस से ताज़ा करने के लिए निकले हैं। ऑनेस्टली अगर आपको बताएं तो जो निकले हैं वो है स्पीति के एक्सपीरियंसेस को ताज़ा करने के लिए, बिकॉज ऐसा है कि अगर आप कोई काम अगर करना छोड़ दोगे ना, तो फिर उसका एक्सपीरियंस और उसका जो वो होता है वो आपके उसमें से निकल जाएगा। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न ओनली हम आज जो है एक और फिर से सोलो राइड करने के लिए निकल रहे हैं। हाउएवर इट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ स्पीति, हाँ, लेकिन जो भी है अपने को एक्सपीरियंसेस रहना चाहिए कि हाँ बंदा जो है कर सकता है। और अभी फिलहाल जो है हम लोग जूनाली के रास्ते से, अच्छा, और ये हम लोग निकल चुके हैं प्राइमरी हाईवे ऑफ जू रोड। ये लोकेशन लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कंपेयर टू दिल्ली, हाँ अगर दिल्ली के साथ कंपैरिजन करो इन मैटर्स ऑफ ग्रीनरी एंड एयर एंड बढ़िया। अच्छा ये देख रहे हो, ये चार इसके साथ ही इस तरफ जाता है मेरा जिम, हाँ, तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एम्बियंस है मेरे जिम में भी। मैं अपने जिम के बारे में भी एक बहुत ही बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊँगा, तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो प्रेजेंट सीन है उसके बारे में बात करते। वैसे मेरे को लग रहा है कि मैंने जो है हेलमेट के अंदर चश्मा भी पहन लिया है, तो थोड़ा सा नहीं भी पहनते तब भी चलता है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो कितने दिनों के बाद तो मैंने अपने 6th गियर पे बाइक चलाया है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज वी ऑलवेज ट्रैवल इन द सिटीज़। और चेतक भी बोल रहा था कि यार तुम मेरे को लास्ट 1 महीने से सिटीज़ के अंदर ही चला रहे हो, मतलब क्या है ना सीन, जैसे ये परफॉर्मेंस बाइक्स है, परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, हाँ स्पोर्ट्स बाइक्स है, तो इसमें लाइक इट इज़ अ सिक्स स्टेप बाइक है, हाँ मतलब सिक्स स्टेप का मतलब हो गया इसमें 6 गियर्स है, तो अगर हम इसको प्रॉपर
राइड्स पे नहीं लेके जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है ना कि बाइक भी फिर इसका पिस्टन स्ट्रिंग थोड़ा सा ढीला हो जाता है, बिकॉज ट्रैफिक में आपको भी पता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ये सब गाड़ियाँ जब है ये ऑल द टाइम ट्रैफिक में चलने के लिए नहीं बने हैं, तो इसलिए कभी कभार इसको भी घुमाने के लिए लेके आना पड़ता है। अरे बहुत नखरे हैं बाबा के, चेतक बाबा के भी बहुत नखरे हैं। अगर इसको मैं अभी एक राइड पे लेके जाऊंगा जो अभी 250 किलोमीटर के आसपास का ये टोटल राइड होगा, तो अगर 250 किलोमीटर अगर इसको चला के आए तो फिर बाबा जो है पूरे खुश हो जाएंगे और अपने को कम से कम 600-700 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं देगा, मतलब वाइल्ड ट्रैवलिंग इन द ट्रैफिक ऑल्सो। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग पहुँच चुके हैं ZS रोड, जो अभी आपने ये फ्लाईओवर देखा था, फ्लाईओवर साइड से जो हम लोगों ने लिया है ये था ZS रोड का फ्लाईओवर, और फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स ये फ्लाईओवर पे, जिससे अगर हम लोग ये राइट टर्न लेंगे तो हम लोग आ जाएंगे शिलोंग के हाईवे पे। जैसे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है वे टू शिलोंग, और लो जी भाई साहब दोबारा से हम लोग शिलोंग के रास्तों में, मतलब मेघालय के रास्तों में पहुंच चुके हैं। तो चलिए, जैसे मैंने लोकेशन तो मैंने आपको बताया नहीं है, वैसे आपको तो ये कवर पिक देख के तो पता चल ही गया है कि लोकेशन कहाँ का है। तो लोकेशन है लाइटलूम का। लाइटलूम इज बेसिकली ए ग्रैंड कैनियन, है एक काइंड ऑफ ग्रैंड कैनियन ही है। मेरे को भी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता है नहीं, वो भी मैं भी वैसे ही अभी उसमें से ढूंढ ढूंढ के ही निकलने वाला हूँ। तो इट्स ए ग्रैंड कैनियन दैट इज देयर इन मेघालय। मतलब आप सोचिए मेघालय में क्या क्या नहीं है, ग्रैंड कैनियन भी है। ये हमसे ये मेरा चौथा या पांचवा चक्कर होगा मेघालय का ना, आई थिंक ये बोरापानी तक तो अपन लोग पहुंच जाएंगे। बोरापानी के बाद शायद मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा रास्ता लेना है ताकि हम लोग ग्रैंड कैनियन तक पहुंच जाए। चला लिया है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग पहुँचे हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हाईवे पे। या हाईवे देख सकते हो, दिस इज द नेशनल हाईवे दैट कनेक्ट्स गुवाहाटी एंड शिलोंग। लेकिन दिस हियर मेघालय में जो है ये हाईवे कंप्लीट बन के कंप्लीटेड है। मतलब आप पहाड़ों में, पहाड़ के रास्तों में, कर्व्स में आप उंदा कॉर्नरिंग कर सकते हो। बट बी कॉशियस, क्योंकि ये रास्ता है, ये रेस ट्रैक नहीं है, सो यू नीड टू बी कॉशियस। और आई विल नेवर सजेस्ट कि आपको करना भी चाहिए, लेकिन जो भी है इट इज़ गुड। भाई टूरिस्ट आप यहीं के हो, अच्छा ये भाई साहब जो है ये आ गए हैं हमारे मेरे को ब्लॉक करते हुए देख के। लेकिन आप बताइए आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप यहीं से हैं, मेघालय से हैं? मेघालय का ना, हम आसाम से हैं, हाँ घूमने के लिए आए हैं। और ये हाईवे जो है आपका बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे जनता है पीछे, इस कैमरा के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। तो आप कुछ बताना चाहोगे? सरकार लगे तो तुझे इसका सरकार क्या कंपनी ने क्या ना 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 खाली आप आए टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट बना आता हाँ वीडियो बनाता देखता ठीक है ओके। तो वही है कि जैसे आपको बता रहे थे कि ये रास्ते के बारे में भाई साहब भी आ गए थे, उनको भी अच्छा लगा देख के। तो जो भी है अभी मैं आपको ये तो पीछे का रास्ता है, जैसे आप देख सकते हो कम्प्लीट पीछे का एक बहुत ही बढ़िया सा हाईवे है। और ये देखिए पूरा का पूरा व्यू है।
ओके तो अभी जो है दिस पर्टिकुलर प्लेस इज बेसिकली नोन एज अ व्यू पॉइंट। ये जो आप देख रहे हो वो आप अगर मेरे पुराने वाले व्लॉग्स देखे हैं देन आपको ये पता चलेगा दैट दिस इज़ उमियम लेक के ऊपर जो है ना एक काइंड ऑफ छोटा सा आइलैंड टाइप का है तो वो आपको उमियम लेक से दिखता है एंड दिस इज़ बेसिकली द व्यू पॉइंट। आप यहाँ पे आके थोड़ा सा इस उमियम लेक को देख सकते हो एंड चाय के मज़े भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है इन मेघालय the thing that happens is that almost all the hotels and jo shops hai all those were being run by women. This is because Meghalaya is a matri pradhan deep, that means woman takes care of all the this thing outside the household activities, means all like shops ho gaya, bazaar ho gaya, dukaan ho gaya, everything they will only be taking care of. And so this is a kind of a general information that I have given it to you. And look, wo dekho, Chetak Baba peeche hai. So it is good. And as you can see, this is the view. Views are really very good, very awesome. And we'll update you the later part. Jaise abhi filhal to hum log ja rahe hain light room pe, aur light room pahunch ke aapko dikhate hain kya hai.